सो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, यहाँ पर आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को। तो दोस्तों, फाइनल वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं इसी तरह कोई वीडियो अपलोड करूँ। तो जो वीडियो है सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाए। दोस्तों, अगर बात करूँ सबसे पहली न्यूज के बारे में, सबसे पहली जो न्यूज है वो निकल करके आते हैं यहाँ पर Xiaomi की तरफ से। और दोस्तों, यहाँ पर Xiaomi अपनी Mi 11 स्मार्टफोन को जल्दी ही लॉन्च करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है वो ऑफिशियली टीज कर दिया गया है Xiaomi के किसी टीम मेंबर के द्वारा। और यहाँ पर स्मार्टफोन की जो डिजाइनिंग है वो काफी अच्छी निकल करके आई है। एक अलग नया कैमरा पैटर्न आपको Xiaomi Mi 11 स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये स्मार्टफोन जल्दी लॉन्च होने वाला है, ऑफिशियल इसकी जो टीजिंग है वो यहाँ पर आज कर दी गई है। दोस्तों, बात करता हूं आपसे यहाँ पर अगली न्यूज के बारे में। अगली जो न्यूज है वो निकल करके आती है पोको की तरफ से। और दोस्तों, यहाँ पर पोको के काफी सारे स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ बैटरी है वो ऑनलाइन सर्टिफाई हो रहे हैं, जिस तरीके से लावा के स्मार्टफोन्स की बैटरी ऑनलाइन सर्टिफाई होती है। यहाँ पर दोस्तों, पोको के एक नए स्मार्टफोन की जो बैटरी है वो आज फिर से यहाँ पर ऑनलाइन सर्टिफाई हुई है। और दोस्तों, ये जो बैटरी है वो आज यहाँ पर इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट हुई है। अब यहाँ पर उम्मीद यही किया जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन्स हैं, जिन स्मार्टफोन्स की बैटरी यहाँ पर ऑनलाइन सर्टिफाई हुई है, ये सभी स्मार्टफोन्स 2021 में लॉन्च होने वाले हैं। और इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि जिस तरीके से स्मार्टफोन्स की बैटरी ऑनलाइन सर्टिफाई हो रही है, पोको की आपको काफी सारे स्मार्टफोन्स 2021 में देखने के लिए मिलने वाले हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि ये जो बैटरी है वो यहाँ पर पोको M सीरीज के पोको M3 प्रो स्मार्टफोन वगैरह की हो सकती है, या फिर पोको F2 स्मार्टफोन वगैरह की हो सकती है। आपका क्या कहना है इसके बारे में, जरूर से अपना फ्रेंड मुझे यहां पर कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों, बात करता हूं आपसे यहां पर अगली न्यूज़ के बारे में। अगली जो न्यूज़ है वो निकल करके आती है Samsung की तरफ से। और दोस्तों, यहां पर Redmi और Realme को देखते हुए Samsung भी अब सस्ते में यहां पर 5G स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, यहां पर आज एक लीक निकल करके आई है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि Samsung अपना एक नया स्मार्टफोन Samsung Galaxy A22 स्मार्ट लॉन्च करेगा, जो कि यहां पर एक 5G स्मार्टफोन होगा। और यह जो स्मार्टफोन है वो 2021 के सेकंड हाफ में लॉन्च किया जाएगा, यानी मई से जून के महीने में हम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। और इस स्मार्टफोन में आपको MediaTek Dimensity सीरीज का जो प्रोसेसर है वो देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन, इसकी जो प्राइस है वो कुछ यहाँ पर 13,349 रुपए निकल करके आई है। उम्मीद कर रहे हैं कि 15,000 की रेंज में ये जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर इंडिया में अगर लॉन्च हो जाए तो काफी अच्छी बात हो जाएगी। आपका क्या कहना है Samsung Galaxy A22 स्मार्टफोन के बारे में, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता दीजिएगा। इस स्मार्टफोन में आपको फ्रंट के साइड में एक पंच होल डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, स्मार्टफोन में क्वाड कैमरा दिया हुआ है। इसके साथ स्मार्टफोन में आपको रियर माउंटेड बैक के पैनल पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर वो देखने के लिए मिल जाती है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये जो स्मार्टफोन है वो एक सस्ता स्मार्टफोन ही होने वाला है। दोस्तों, बात करता हूं आपसे यहां पर अगली न्यूज़ के बारे में। अगली जो न्यूज़ है वो निकल कर आती है यहां पर Realme की तरफ से। और दोस्तों, यहां पर मैं आपको इन्फॉर्म कर ही चुका हूं कि Flipkart और Amazon पे आपको काफी सारी सेल्स देखने के लिए मिल रही हैं, जहां पर अगर आप एक नया स्मार्टफोन वगैरह परचेस करना चाहते होंगे तो आप काफी सस्ते दाम पे कर पाएंगे। अब दोस्तों, यहां पर Realme की तरफ से खुद की उनकी एक सेल अनाउंस कर दी गई है, जिस सेल का नाम है Realme डे सेल। ये सेल हर महीने में लगभग होती ही रहती है। यहां पर ये जो सेल है वो आपको 18 से लेकर के 25 दिसंबर तक देखने के लिए मिलने वाली है, यानी जो ये जो सेल है फिलहाल अभी लाइव है realme.com पे। अगर आपको कोई भी स्मार्टफोन लेना है आप जाकर के ले सकते हैं। दोस्तों, यहां पर स्मार्टफोन्स वगैरह पे आपको अप टू 7,000 रुपए तक का जो डिस्काउंट है वो देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर सस्ते स्मार्टफोन भी है, महंगे स्मार्टफोन भी है। बात करता हूं अगर Realme X50 Pro स्मार्टफोन के बारे में, तो इस स्मार्टफोन पे आपको फ्लैट 7,000 रुपए का डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर आपको एक नया स्मार्टफोन परचेस करना है तो अभी के अभी realme.com पे जाकर के चेक कर सकते हैं। तो यहां पर जो अगली न्यूज है वो निकल करके आती है Realme की तरफ से, और ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। दोस्तों, यहां पर Realme X7 Pro और Realme 7 5G ये दो स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहे हैं 22 दिसंबर को ताइवान में। ये जो स्मार्टफोन है वो यहां पर 22 दिसंबर को लॉन्च कर दिए जाएंगे, Realme X7 Pro और Realme 7 5G। और यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको और इन्फॉर्म कर देता हूं कि जो स्मार्टफोन Realme X7 Pro स्मार्टफोन ताइवान में लॉन्च होगा, उस स्मार्टफोन में आपको 50 वाट का जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है वो देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो ऑफिशियल टीजर वगैरह है वो निकल के आ चुका है। और वहां पर 50 वाट की जो चार्जिंग है वो यहां पर शो की गई है। तो Realme X7 Pro स्मार्टफोन का जो ताइवान वाला वेरिएंट होगा, उसमें आपको 50 वाट का जो चार्जिंग सपोर्ट है वो देखने के लिए मिलने वाला है। और उसके साथ दोस्तों, Realme 7 5G स्मार्टफोन भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आपको MediaTek Dimensity सीरीज के प्रोसेसर के साथ में देखने के लिए मिलता है। तो Realme अपने Realme 7 5G स्मार्टफोन को भी लगभग हर एक कंट्री में लॉन्च कर रहा है, और जल्दी ये स्मार्टफोन इंडिया में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। आप यहां पर मान करके चल सकते हैं कि जनवरी से फरवरी के बीच में ये जो स्मार्टफोन है वो यहां पर इंडिया में लॉन्च कर दिए जाएंगे। अब देखते हैं इन स्मार्टफोन की प्राइस
प्राइसिंग क्या होती है। जैसे ही ये स्मार्टफोन लॉन्च हो गए प्राइस वगैरह कंफर्म होकर के आएगी, मैं आपको सारी चीजें इन्फॉर्म कर दूंगा। दोस्तों बात करता हूं यहां पर अगली न्यूज के बारे में। अगली जो न्यूज है वो निकल करके आती है जियो की तरफ से। दोस्तों यहां पर कुछ दिन पहले मैंने आपको इन्फॉर्म किया था और मार्केट में ये काफी समय से ये बातें चल रही हैं कि जो जियो है वो जल्दी यहां पर 5G नेटवर्क को इंडिया में लॉन्च करने वाला है और जल्दी ही हम यहां पर जियो की तरफ से 5G को यूज कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं यहां पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज इन्फॉर्म कर देता हूं कि जियो की तरफ से आपको जल्दी ही 5G स्मार्टफोन भी देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहां पर एक ऐसी रिपोर्ट निकल करके आई है जिससे ये कहा जा रहा है कि 5G नेटवर्क को इंडिया में लॉन्च करने के बाद जियो यहां पर इंडिया में फ्री में 5G स्मार्टफोन भी दे सकता है। अब यहां पर कुछ स्कीम के तहत वो जो स्मार्टफोन है वो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। मे बी दोस्तों आपको यहां पर बाउंड किया जाए कि आपको हर महीने 300, 400 या 500 रुपए तक का रिचार्ज जियो के सिम में कराना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर 5G पे आ सके। और जब लोग फ्री में 5G स्मार्टफोन ले लेंगे तो वो मजबूर हो जाएंगे जियो के 5G नेटवर्क को यूज करने के लिए। तो ये पूरी चीजें चल रही हैं। अब जियो की तरफ से काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें जल्दी ही आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। अब आपका क्या कहना है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है जियो के अपकमिंग 5G स्मार्टफोन वगैरह को लेकर के, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे यहां पर कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए। अब आपका क्या कहना है इन सभी चीजों के बारे में, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे यहां पर कमेंट करके बताइएगा। फाइन दोस्तों ये था इस वीडियो में, आशा करता हूं छोटी जानकारी समय आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट से जो करिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।